साल कम बारिश होने से क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल खारी मानसी नदी व एक नाले के त्रिवेणी संगम स्थित छोटा पुष्कर के नाम से विख्यात थानेश्वर का अनेक और कुंड सूख गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल कार्तिक महीने में स्नान करने के लिए महिलाएं त्रिवेणी संगम स्थित एनिकट व कुंड पर पहुंचती है। यहां एक दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला लगता है जिसमें दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस वर्ष चित्राई बारिश के चलते त्रिवेणी स्थित एनिकट व कुंड खाली है। नदी में पानी नहीं होने से ऐसे में महिलाओं को मजबूरन सूखे में दीपदान करने की नौबत उत्पन्न हो सकती है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से देव उठनी 11 से पूर्व कुंडों में टैंकर से पानी डलवाने की मांग की है। इनका कहना, कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान त्रिवेणी संगम स्थित एनिकट व कुंडों में पानी की कमी को मध्य नजर रखते हुए देव उठनी एकादशी पूर्व ग्राम पंचायत के सहयोग से कुंडों में टैंकर से पानी भरवाया जाता है जिससे महिलाओं को स्नान व दीपदान करने में परेशानी नहीं हो। ग्राम पंचायत पुलिया कलाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा ग्राम धनेश्वर में जो छोटा पुष्कर के नाम से विख्यात है इसमें 22 तारीख को जागरण व 23 तारीख को विशाल मेले एक दिवस मेले का आयोजन किया जाएगा। और इसमें वर्तमान में जो कुंड बने हुए हैं उनमें पानी नहीं है पर ग्राम पंचायत अपने स्रोतों से पानी की व्यवस्था करवाकर टैंकरों के माध्यम से उन कुंडों को भरवाएगी। और मेला स्थल पर सफाई व्यवस्था लाइट व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत अपनी व्यवस्था से करवाएगी।